नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू कारवानी, जहां आपको मिलती है सबसे फ्रेश और हॉट कार अपडेट्स। तो आज हम लेकर आए महिंद्रा स्कॉर्पियो एन Z6 2024 के अपडेट्स। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। ये तो आप जानते हैं कि महिंद्रा स्कॉर्पियो एन हमेशा से लोगों के दिल जीते आ रही है और 2024 में महिंद्रा लेकर आई है कुछ खास बदलाव। जी हाँ, खास करके स्कॉर्पियो एन के Z6 मॉडल में। तो क्या क्या नया है, चलिए देखते हैं। इसमें Z6 के इंटीरियर की बात करें तो आपको कुछ चेंजेस दिखाई देंगे। इंफोटेनमेंट सिस्टम का साइज अब हुआ है छोटा, क्योंकि 8 इंच से अब 7 इंच के टच स्क्रीन में। अब म्यूजिक और मैप्स के लिए वायरलेस कनेक्टिविटी नहीं रहेगी, अब आपको एक केबल की जरूरत पड़ेगी। और अफसोस, अलेक्सा का फ्रेंडली वॉइस भी गायब है। और कार इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पे बदल दिया गया है, अब वो 4.2 इंचेस का है। एक सिंपल फॉर्मेट में जरूरी डिटेल्स दिखाता है सिर्फ। और वो कूल ग्लोव बॉक्स जिसमें आप चीजें ठंडी रख सकते थे, अब वो सिर्फ Z8 मॉडल्स में मिलेगा आपको। महिंद्रा क्या सोच रहा है, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो गाइज, इसके पावरफुल परफॉर्मेंस की बात करें तो स्कॉर्पियो के शौक से भरे परफॉर्मेंस में कोई बदलाव नहीं है। जी हाँ, स्कॉर्पियो एन अब भी देता है 2 इंजन ऑप्शन, एक 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन और एक रोबोस्ट 2.2 लीटर डीजल इंजन। चाहे आप मैनुअल या ऑटोमेटिक कोई सा भी ट्रांसमिशन पसंद करते हो, स्कॉर्पियो एन ये सब कवर करती है। यही नहीं दोस्तों, और अगर जो लोग ऑफ रोडिंग एडवेंचर्स को पसंद करते हैं उनके लिए कुछ खास वर्जन में RWD भी है, रफ टेरेंस के लिए परफेक्ट। लेकिन ध्यान देना, Z6 वेरिएंट सिर्फ डीजल इंजन के साथ आता है। अब चलिए प्राइसिंग एंड कंपटीशन की बात करें। महिंद्रा स्कॉर्पियो एन अपडेटेड फीचर्स के साथ आई है 2024 में और इसका प्राइस 13 लाख से 24 लाख तक है। महिंद्रा स्कॉर्पियो एन को मार्केट में टक्कर देने के लिए XUV 700, टाटा हैरियर, सफारी और MG Hector हेक्टर प्लस से तो ये काफ़ी तगड़ा कॉम्पिटिशन होने वाला है। तो ये रहा 2024 महिंद्रा स्कॉर्पियो एन Z6 का थोड़ा सा अपडेट्स। आपको क्या लगता है इन चेंजेस के बारे में? क्या आप एक्साइटेड इस पावर हाउस के पीछे बैठने के लिए? हमारे साथ अपने विचार शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जब तक के लिए सेफ ड्राइव। जय हिंद, जय भारत।